नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कमेंट में हमें देखने को मिल रहा है, कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि सर कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड, ये क्या है? हमने तो पेमेंट सक्सेसफुल कर दिया है, पेमेंट भी सक्सेस है, डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट जो होता है अपडेट करने के लिए वो भी सक्सेस है, और पेमेंट द्वारा कर रहे तो ऑलरेडी बता रहा है, प्रिंट भी जनरेट हो चुका है। ठीक है, फिलहाल तो अभी साइड थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है, बट दो दिन में प्रिंट की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट जो मेन प्रॉब्लम है वो सॉल्व होनी चाहिए, पेमेंट सक्सेस होना चाहिए। ठीक है, और जो डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट हम करते हैं, अपडेट वाला जो सिस्टम है पेमेंट का, वो सक्सेस होना चाहिए। पेमेंट कर रहे तो दोबारा पेमेंट नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऑलरेडी बताना चाहिए। और सबसे मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो ये है, एप्लीकेशन स्टेटस जो आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल एंड दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023 रजिस्ट्रेशन स्टेटस देखिए, कंप्लीट। ठीक है, फोटो सिग्नेचर अपलोड कंप्लीटेड, अप्लाई फॉर्म कंप्लीट, पेमेंट स्टेटस कंप्लीट, एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन रिसीव्ड, सब कुछ डन है। अब बात आ रही है कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड। ये जो कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड है, ये आयोग में फॉर्म आपका जा चुका है और वहाँ विचाराधीन है, यानी कि अंडर प्रोसेस में चलेगा, वेरीफाई किया जाएगा। जब आपका एडमिट कार्ड निकलता है तो उस टाइम आपको स्टेटस पहले जारी किया जाता है एडमिट कार्ड का, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड फॉर्म की स्थिति की जानकारी वहाँ देखने को आपको मिल जाती है एग्जाम से कुछ दिन पहले। तो ये तो हो गया कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आपकी नहीं है, आपका जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट अपलोडेड, कंप्लीट कंप्लीट एप्लीकेशन रिसीव्ड, ये होना चाहिए। अब यहाँ पेमेंट स्टेटस यानी कि पेंडिंग इनकम्प्लीट दिखा रहा है या फील्ड दिखा रहा है, एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो इनकम्प्लीट है, तो ये प्रॉब्लम्स आपके लिए है, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, कंप्लीटेड अपलोडेड कंप्लीट कंप्लीट एप्लीकेशन रिसीव्ड, सेम टू सेम ऐसा ही होना चाहिए, तो आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है, रिजेक्ट नहीं होगा, चाहे प्रिंट की प्रॉब्लम चल रही हो या कुछ भी चल रही हो। यदि ये स्थिति है आपके पास तो ओके डन है, प्रिंटिंग की समस्या है वो दो एक दिन में सॉल्व हो जाएगी, और कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड है, ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है। आप अपना स्टेटस केवल इतना देखिए जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन स्टेटस कंप्लीट, फोटो सिग्नेचर अपलोडेड, अप्लाई फॉर्म कंप्लीट, और पेमेंट स्टेटस कंप्लीट, और एप्लीकेशन स्टेटस एप्लीकेशन रिसीव्ड, इतना आप देखिए बस। कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड है ये तो मैंने बता दिया है, एसएससी वहाँ वेरीफाई करेगा आपका फॉर्म, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।